हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है आप लोगों का, उसी की एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें भी आपको इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में ही स्टडी करना है। बेसिकली इसमें कुछ और मेथड्स हैं जो आप फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए आप लोगों को मेथड सीखने पड़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो फंक्शन आता है जिसका आप डेरिवेटिव ले चुके होते हैं उसे क्या बुलाते हैं? उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लाइक देखिए, आपके सामने ये है। फिलहाल ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन की, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि वो एक पॉलीनोमियल होना चाहिए। कभी भी ऐसा पॉसिबल है लाइक आपके पास साइन वाई लिखा हो, अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो आपने इसका साइन वाई डैश लिया हो, नॉट आपने लिया होगा साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, फिर वाई का दोबारा लिया होगा वाई डैश। तो अगर आपको कभी लिखा हुआ है कि y के अंदर आपके पास डेरिवेटिव है या cos के अंदर आपके पास डेरिवेटिव है, log के अंदर डेरिवेटिव है, e की पावर के ऊपर डेरिवेटिव है, तो इट्स नॉट फिजिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने डेरिवेटिव लिया होगा तो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिया होगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन डिराइव होती है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में वापस उसी फंक्शन पर पहुंचना है जो क्वेश्चन गिवन था। ओके, तो देखिए बेटा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके पास यही है कि आप लोगों को यह बताना है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इफ इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की एक्सरसाइज का। नाउ ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को वी कैन राइट वाई डैश एंड डी वाई बाई डी एक्स एंड f डैश एक्स ऑल्सो, एंड सेकेंड डेरिवेटिव को आप क्या लिख सकते हो? f डबल डैश y डबल डैश एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज लाइक दिस एंड सो ऑन। थर्ड डेरिवेटिव जब आपको लिखना होगा तो f ट्रिपल डैश आ जाएगा आपके पास एंड y ट्रिपल डैश आ जाएगा एंड दैट इज डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। दैट इज बेसिकली द डेरिवेटिव का सिंबॉलिक फॉर्म जो आपके पास इस्तेमाल होता है, एक एफ एक्स के फॉर्म में है, एक वाई की फॉर्म में है, एक डी वाई की फॉर्म में है। तो देखिए, जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपने डेरिवेटिव लिया है, लेकिन ये पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं है बेटा, क्योंकि आप साइन के अंदर जो वाई ट्रिपल डैश लिखा है इट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वाई का अंदर जो है डेरिवेटिव लिया। अभी हमने आपको बताया कि साइन वाई है तो उसका डेरिवेटिव आप लोगों ने कैसे लिया होगा? कॉस वाई इंटू में वाई का दोबारा डेरिवेटिव लिया होगा वाई डैश। तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर तो बता सकते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कितना मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां लिया गया है। तो दिस इज वाई ट्रिपल डैश एंड दिस इज फोर्थ डेरिवेटिव। तो ऑर्डर होता है कितने तक आपने डेरिवेटिव लिया, तो दैट इज फोर। पर आप इस क्वेश्चन में डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि डिग्री उसी क्वेश्चन की डिफाइन होती है जो एक पॉलीनोमियल होता है। और डिग्री क्या होता है, जब हम 9th 10th क्लास में बताते हैं तो जो पॉलीनोमियल आपके पास मेंशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी आपको आप लोग उसे डिग्री बुलाते हैं। तो यहां पर आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल फंक्शन या पॉलीनोमियल इक्वेशन। नाउ दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपको वाई डैश दिख रहा है, इसका मतलब फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेकर आ चुके हैं, बट दिस इज पॉलीनोमियल। अब यहां पर आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है? दिस इज वाई, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 1। जिसका आप ऑर्डर बता रहे हैं उसी की डिग्री आप लोगों ने देखनी है। तो डिग्री कितनी है उसकी, उसकी पावर कितनी चल रही है आप लोगों के पास? 1। तो डिग्री इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए, ये भी आपके पास एक पॉलीनोमियल है, इट्स करेक्ट ही पॉलीनोमियल। तो आपने इसमें कहां तक मैक्सिमम डेरिवेटिव लिया है? दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम ऑर्डर कहां तक लिया गया है? 2 तक। और डिग्री उसी की बतानी है जिसके आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की डिग्री। तो उसकी डिग्री कितनी चल रही है? 1। तो डिग्री इज 1। नाउ दिस वन, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पॉलीनोमियल फंक्शन, क्योंकि कॉस के अंदर डीवाई बाई डी एक्स कैसे आ सकता है, ऐसा तो आपने नहीं लिया होगा। तो देखिए, आप इसका ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हुआ? 2। बट इसकी डिग्री डिफाइन नहीं करी जा सकती क्योंकि इट इज नॉट अ फिजिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ सकता, इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल्सो पॉलीनोमियल फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव आपका लिया गया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। डिग्री कितनी हुई? इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। लेट इट बी, अगर इसकी पावर 4 होती, ऑर्डर तो 2 रहता लेकिन इसकी पावर 4 होती तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती आप लोगों के पास? 4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इसमें वाई ट्रिपल डैश की पावर 2, वाई डबल डैश की पावर 3, वाई सिंगल डैश की पावर 4 एंड वाई की पावर 5 इक्वल टू। तो आपने कहां तक मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव लिया? ये तो वाई है, इसमें तो डेरिवेटिव ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना हो गया आपके पास? 3। और जिसका आप ऑर्डर बता रहे हो उसी की आपको पावर बतानी है, वही आपके पास डिग्री होती है। तो इट्स अ 2। I hope it's clear. Now the next one, y triple dash plus 2y double dash plus y dash equal to 0. Order कितना हुआ? First order derivative, second order derivative, third order derivative. तो order कितना हुआ बच्चे? 3. और इसी की अगर आप power देखेंगे तो power कितनी है आपके पास? 1. तो degree is 1. I hope it's clear. This is your first exercise 9.1. I hope आप लोग इसके आगे questions try कर सकते हैं. Degree और order आप लोगों को clear हो गया होगा. Differential equation आपको clear हो गई होगी. Now the next exercise 9.2. 9.2 में आपको क्या दिखाया गया है कि कैसे हम differential equation form करते थे. Like आपके पास question given था, उससे हमने कैसे differential equation बनाई. बनाना नहीं सिखा रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी बनी हुई differential equation आपको ये चेक करना है कि उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है. तो देखिए, आपके पास फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में y इक्वल टू ex प्लस 1, और जो आपको प्रूव करना है अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है. तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, दैट इज वाई डैश ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स. क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर चाहिए तो हमने दोबारा से इसका डेरिवेटिव लिया. तो वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स. योर लेफ्ट हैंड साइड इज वाई डबल डैश माइनस वाई डैश. तो आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाई डबल डैश कितना है? ई की पावर एक्स. वाई सिंगल डैश कितना है? ई की पावर एक्स. ई की पावर एक्स में से ई की पावर एक्स माइनस होगा 0, विच इज योर राइट हैंड साइड. आप जो ये क्वेश्चन 9.2 में है, इन्हें दो तरीके से कर सकते हैं. या तो आप क्या कीजिए, y डैश और y डबल डैश निकाल लीजिए. जो आपको फंक्शन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसकी लेफ्ट साइड ले लीजिए, उसमें पुट कर दीजिए, राइट साइड में पुट कर दीजिए. यू गेट योर आंसर 100%. या दूसरी ऑप्शन ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर आता जाएगा, आप वो भी निकाल सकते हैं. तो दोनों तरीके आपके करेक्ट हैं. तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट अलग अलग पिक करा, यहाँ हमने नहीं पिक करा, जरूरत नहीं महसूस हुई. y एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. टेक अ डेरिवेटिव, y डैश एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड इसका डेरिवेटिव आपके पास 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, c का डेरिवेटिव 0. जब हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी तो बस ये चीज यहाँ राइट साइड वाली चीज जो है वो लेफ्ट साइड पर आ गई थी आपकी. तो 2x यहाँ जाके माइनस एंड दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो. जो फंक्शन गिवन होता है उसका डेरिवेटिव लेने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आती है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बुलाते हैं. अब आप लोगों का आगे जाकर काम क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस फंक्शन पर पहुंचना, जो बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है, जो बेसिकली इंटीग्रेशन है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट वन, वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश. तो ये लेफ्ट साइड पर आ गया, वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0. दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो देखिए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं y डैश, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये चीज x की जगह पर है, आप इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे. एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y डैश. नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, x अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज y डैश, राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा, तो वी पिक राइट हैंड साइड, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. लाइक 2 अपॉन रूट 2 चल रहा है, तो आप रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि वाई डैश के इक्वल है. तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई आप लोगों की. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. फिफ्थ आप लोग कर सकते हैं, सिक्स देखते हैं हम लोग. सिक्स देखिए, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स. तो y का डेरिवेटिव लिया y डैश, प्रोडक्ट रूल के अलावा आपका कुछ नहीं लग सकता. फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस एक्स. ओके, ना हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स वाई डैश, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रही, तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पिक कर सकते हैं. तो लेफ्ट साइड हमने लिया एक्स वाई डैश, तो वाई डैश किससे मल्टीप्लाई हो गया? एक्स से. दिस इज बिकम एक्स साइन एक्स, दिस बिकम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. नाउ पिक राइट हैंड साइड, वाई की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज एक्स साइन एक्स. सेम यहाँ पर भी वाई की वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. ये एज इट इज, यहाँ पर क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स. ये दोनों चीजें रूट से बाहर निकल गई एंड यू गेट दी सेम आंसर. दैट मीन्स ये जो आपके पास फंक्शन गिवन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो नेक्स्ट,
नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए. क्वेश्चन नंबर सेवन में आपके पास एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी है. नाउ यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, बोथ साइड टेक अ डेरिवेटिव. एक्स वाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट में चल रहे हैं. एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई. लेकिन यहाँ एक्स होना चाहिए था क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो वाई का डेरिवेटिव आपको दोबारा लेना पड़ा, विच इज वाई डैश. ये जो वाई था इसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज बिकम वाई स्क्वायर, दैट इज बिकम एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश. अब क्या करा हमने, वाई डैश वाले एक जगह ले लिए, वाई स्क्वायर एज इट इज, इसमें से क्या कॉमन आ गया, वाई डैश कॉमन आ गया, वन माइनस एक्स वाई. नाउ वाई डैश की वैल्यू इज दिस, एंड यही आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां से देखिए आप वाई डैश की वैल्यू तो निकालते, निकलते ही अपने आप ही आपके पास आंसर आ गया. अगर आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते, बट ऐसी कोई जरूरत आपको यहाँ महसूस नहीं हुई. तो यू गेट योर आंसर. तो दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसे सैटिस्फाई कर रही है. क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा. वैसे तो हमें टेन इनवर्स एक्स का पता है, तो कोई बात नहीं, आप इसे एक्स समझकर पहले इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर. क्योंकि ये एक्स की जगह पर है, इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, तो वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, वाई डैश. सिमिलरली जैसे हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, सिमिलरली वन प्लस वाई स्क्वायर को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई डैश एज इट इज. वन को वन प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, वाई डैश को मल्टीप्लाई करा, ये वाला वाई डैश वहां जाके कैंसिल आउट हो जाएगा. यू गेट यूर डिफरेंशियल इक्वेशन. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स पर. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स. एक्स की जगह पर यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, यू गेट दिस. नाउ दिस इज बेसिकली नथिंग बट y, y को आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, y dy by dx, this is minus x, वहाँ x जाके प्लस हो जाएगा, you get your answer. I hope आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. थैंक यू सो मच.